to Vigyan Bhavan in the national capital at the Rajaswa Gyan Sangam Conclave 2016, where the Revenue Secretary is addressing a session. I have interaction with the department, and so he opened the house for officers to reply to the to raise some questions or to make some good suggestions about the improvement in the tax administration. So kul milake 15 officers ne apne apne sujhav diye Pradhan Mantri ji ko, jisme kareeb aadha ghanta unhone samay bitaya. Wo sun rahe the aadha ghante tak 15 officers ko, CBDT aur CBEC ke kul officers ko. Usme bahut kuch suggestions aaye. Uska jo main sur ye tha, jo department ke officers ki taraf se prashn uthaye gaye usme, ek to department ke officer ne ye bataya ki कभी कभी हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैक्स एनफोर्समेंट शुड बी आवर प्रायोरिटी. जो टैक्स इवेट करा है उनको पकड़ना, उनको सजा देना, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर्स शुड बी आवर प्रायोरिटी. वी आर असल नॉट श्योर, समटाइम्स वी आर ऑल्सो इन अ डायलेमा एज टू वॉट शुड बी आवर फोकस. सो इस तरह का एक उन्होंने अपना जो द्विधा, अपना जो डायलेमा है वो बताया. एक दूसरा सजेशन आया जो कि बहुत अच्छा सजेशन था कि भी देश में एक टैक्स फैसिलिटेशन एक्ट होना चाहिए, सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, टैक्स फैसिलिटेशन एक्ट, कि जिसमें किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेने के कुछ नॉर्म्स बनाए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए. एंड दैट शुड अप्लाई बोथ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी डिपार्टमेंट विच इज कलेक्टिंग एनी टैक्स, एंड ऑल्सो टू द स्टेट गवर्नमेंट. जैसे कि सुझाव था कि भाई जैसे उसमें एक होगा कि भाई कोई भी टैक्स का जो कानून बना जाएगा उसको लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाया जाएगा. सो इस तरह का एक प्रावधान होना चाहिए, एक सेंट्रल एक्ट के द्वारा टैक्स फैसिलिटेशन एक्ट होना चाहिए. ये एक सुझाव जो आया था. कुछ ऑफिसर्स का ये भी सुझाव था कि खास करके सीबीएसई में, और कि भाई हमारे यहाँ जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिसेज में, उसमें कुछ कमियाँ हैं, उसको थोड़ा दूर करना चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. और खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, सिक्योरिटी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, एग्जामिनेशन के जो टूल्स होने चाहिए, ये सब में थोड़ी कमी है. वी नीड टू ऑगमेंट दोज रिसोर्सेज ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स सो दैट दे कैन बी बेटर इक्विप्ड. एक और सुझाव आया कि भाई अभी हम लोगों ने अपना ई गवर्नेंस तो लोगों के साथ तो बहुत अच्छा कर दिया है. हमने सब कम्युनिकेशन, ई असेसमेंट, ईमेल से नोटिस जा रही है, वो सब तो अच्छा कर दिया है, लेकिन इंटरनल जो कम्युनिकेशन है विद इन द डिपार्टमेंट वो अभी भी पेपर बेस्ड है. वो एक सिस्टम होनी चाहिए जो कि इंटरनल पेपर वर्क भी कम हो जाए, पेपर कम जनरेट हो बिटवीन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फील्ड ऑफिसेज, बिटवीन द एचओडीज ऑफिस एंड बोर्ड ऑफिस, देयर शुड बी लेस ऑफ पेपर वर्क. सो दिस इज अनदर सजेशन दैट केम फ्रॉम ऑफिसर्स. And quite a few junior officers also participated in the discussion. In fact, out of 15, about more than 5 officers were of the rank of assistant commissioners only. Those with a very little service, 4 or 5 years of service, they are new to the field and they have better understanding of the field situation. So they gave some very good suggestions. Uske baad, jab Pradhan Mantri ji ne bolna shuru kiya, to उन्होंने कुछ बहुत अति महत्व के पॉइंट बताए. जैसे माननीय एमओएस साहब ने बताया कि एक फॉर्मूला उन्होंने दी है कि कौन से 5 पिलर होना चाहिए सीबीडीटी सीबीएसई के गाइडेंस के लिए. वो 5 पिलर उन्होंने बता दिए कि सब. That was the Revenue Secretary there briefing the media about the suggestions that have come forward from the CBDT and the CBEC officials at the Rajaswa Gyan Sangam Conclave 2016. It's a 2-day conclave, the interactive session with the top brass of the two revenue collection departments, that the CBDT and the CBEC, which were asked to prepare suggestions on important policy level and innovative ideas for a far-reaching impact relating to legislative and, of course, the administrative framework of taxation in India. That was the Revenue Secretary there briefing the media about the suggestions that have come forward from these officials.